गुना शहर के गुलाबगंज क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटा रहे दो गुटों में झगड़ा हो गया। करीब आधा सैकड़ा युवक आपस में भिड़ गए। इस मामले की जानकारी जैसे ही कैंट पुलिस को लगी तो वहां पुलिस हमला पहुंचा, दोनों पक्षों को थाने में ले आया। आपस में झगड़े रहे दोनों पक्षों के द्वारा थाने में जमकर हंगामा किया गया। जिन लोगों के बीच मारपीट हो रही थी वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कैंट पुलिस के मुताबिक एक पक्ष से मंजीत रघुवंशी, दूसरे पक्ष से विकास पाटिल के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। इस तरह से क्षेत्र में दो युवकों की गैंग है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस रहा है और पुलिस जब इन्हें थाने ले आई तो यहां पर भी लोग एक दूसरे को निशाना बनाने में नहीं झुके। मंजीत और विकास के साथ आए युवकों ने कैंट थाने में एसआई से अभद्रता की तो टीआई अवनीत शर्मा को मोर्चा संभालना पड़ा। कैंट थाने में काफी देर तक युवकों के द्वारा उत्पात मचाया गया। कभी थाने के बाहर तो कभी अंदर युवक हंगामा करते रहे। मारपीट और हंगामा होते देख कैंट पुलिस का बल हरकत में आया, दोनों ही पक्षों को थाने में बिठा लिया। उप पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल ने बताया कि दोनों ही गुटों के खिलाफ थाने में पहले से ही प्रकरण दर्ज है। यह आपराधिक प्रवृत्ति के होने की वजह से इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा है। दूसरे पक्ष का विकास पाटिल है और उसके साथी है, दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और पुराने झगड़े हैं और उसी पुरानी रंजिश को लेकर गुलाबगंज में आज आपस में दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और मारपीटें हुई थी। दोनों पक्षों को झगड़ा की सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो तत्काल पुलिस पहुंची है और दोनों पक्षों को पकड़ के थाने लाए हैं और दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों ही पक्ष आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी धाराओं में सर इसमें कार्रवाई की? इसमें अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है, फरियादी दोनों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और जो भी धारा है और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार ये लड़के आपने देखा गया है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े करते हैं, इसमें आगे बाउंड ओवर या कुछ ऐसी कार्रवाई? इनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पहले भी की गई है और उसमें और इन अपराधों के दर्ज होने के बाद पुनः प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा और जिन जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण है उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करी जाएगी।